हम पिछले कई वर्षों से 8 मार्च के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए घोषित इस दिन का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान बताना है, इसलिए इस दिन को महिलाओं के आध्यात्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। आठ मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव के परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं। साथ ही पुरुष वर्ग भी इस दिन को महिलाओं के सम्मान में समर्पित करते हैं। यह दिन सबसे पहली बार 28 फरवरी 1909 को सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा पूरे अमेरिका में मनाया गया था। इसके बाद इस दिन को वर्ष 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा प्रदान किया गया था। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और उसके साथ ही सरकारी नौकरी में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इसी के विरोध में 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मन और स्विट्जरलैंड में लाखों महिलाओं ने रैली निकाली और 1917 में रूसी महिलाओं द्वारा पहली बार फरवरी माह के अंतिम रविवार को महिला दिवस मनाया गया। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक वर्ष 1917 में फरवरी माह का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था और ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च था। अब पूरी दुनिया में ग्रेगरियन कैलेंडर चलता है, इसी कारण यह दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1908 में यूरोपियन की औद्योगिक क्रांति ने पहली बार महिलाओं को बड़े पैमाने पर घर की चारदीवारी और रसोई से बाहर निकाला था। उस समय महिलाएं बड़ी संख्या में फैक्ट्री और कारखानों में 16 से 18 घंटे शारीरिक श्रम करती थी। कई बार उन्हें सूरज की रोशनी भी नसीब नहीं होती थी, उसके बावजूद उन्हें पुरुषों से आधा वेतन दिया जाता था। अधिकतम श्रम और मामूली वेतन में अमेरिका की करीब 15,000 महिलाओं के काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने का अधिकार पाने हेतु प्रदर्शन किया गया था। बदलती परिस्थितियों के साथ आज भारत में भी महिलाओं को सशक्त व सबल बनाने के प्रयासों पर कार्य किया जा रहा है। पूर्व की अपेक्षा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है। महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर न सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ा है, अपितु पुरुष प्रधान समाज का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव को देखते हुए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में पंचायतों एवं जिला परिषदों में उनके लिए 33% सीट आरक्षित कर दी गई थी। साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे राज्यों में 50% आरक्षित सीट महिलाओं के लिए कर दी गई। पिछले 20 साल में महिलाओं ने अपने कार्यों से आकाश छुआ है। वहीं श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अब तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपना परिचय न लहराया हो। दोस्तों, भारत में महिलाओं को शिक्षा, वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार प्राप्त है। धीमे धीमे परिस्थितियां बदल रही हैं। भारत में आज महिलाएं आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, आईटी, इंजीनियर, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। माता पिता अब बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, लेकिन यह सोच समाज में कुछ ही वर्ग पर सीमित रहती है। आज भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि महिलाओं को आगे बढ़ने से उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें परेशानी होती है। वे नहीं चाहते हैं कि महिलाएं पुरुष से आगे निकलें। सही मायने में महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब विश्व भर में महिलाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से संपूर्ण आज़ादी मिलेगी, जहां उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, जहां उन्हें दहेज के लालच में जिंदा नहीं जलाया जाएगा, जहां कन्या भ्रूण हत्या नहीं की जाएगी, जहां बलात्कार नहीं किया जाएगा और जहां उन्हें बेचा नहीं जाएगा। समाज के हर महत्वपूर्ण फैसले में उनके नज़रिए को महत्वपूर्ण समझा जाएगा। उन्हें भी पुरुषों के समान एक इंसान समझा जाएगा, जहां वह सिर उठाकर अपनी महिला होने पर गर्व करें, न कि पश्चाताप की काश में एक लड़का होती। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, फिर हम फिर आज रहेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न सब कुछ।